हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पित्या झांसी ब्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लाऊंगी जिसको लगाने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल दूध की जैसा चमकेगा। अगर आप अपने चेहरे की टैनिंग के वजह से परेशान हो चुके हैं और आपका जो फेस है बहुत ही डार्क हो चुका है और आप उसको लाइट करना चाहते हैं, तो अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे यानी कि उपयोग में कर लाएंगे तो आपका इससे चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमक उठेगा। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटे तक आपको क्या करना है, मसूर दाल को अच्छे से भिगो कर रख देना है। जब वो अच्छे से फूल तो जाए आपको पता ही होगा मसूर तो दाल फिर आपको क्या करना है, चलिए मैं बताती हूँ। इससे क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, चेहरे के दाग धब्बे थोड़ा सा और राइस लेके उसको भी अच्छे से टाइटली रख देना। और राइस से आपका पता है कि इससे क्या होता है, इससे ये क्या करेगा, आपके चेहरे को वाइट करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे से 1-1 घंटे के लिए फूल के रख देना है। तो देखिए मैंने वहाँ पर उसको अच्छे से रख दिया है। तो अब आपको क्या करना है, एक आलू लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक आलू को ले लिया है, अच्छे से इसको छील लेना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप ना करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें और इससे आपकी जो समस्या है चेहरे की वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको हफ्ते में 1 से 2 बार लगाते हैं तो आपको इसका रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, आलू को अच्छे से छील लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि हमें इसको अच्छे से उपयोग करना है पूरी तरह से। तो अगर आप इस तरीके से इस पैक को बनाकर लगाएंगे तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा निखरेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है फेस की वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर आजमाएं और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना, तो आज ताकि वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक का लेकर आई हूँ। तो वीडियो में तो और बने इस रहना, वीडियो को हो सके तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक केला लिया है। अपनी इस केले को आपको हाफ ले लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने केले को आधा करके ले लिया है। अब हम इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको दोस्तों अच्छे आपको से पता होगा जो कि आलू मसल लेंगे। वो हमारे स्किन के लिए कितना फायदेमंद होता है। तो अगर अगर आप आप केले इसको को जले इस या तरह से जले इस्तेमाल यानी कि करेंगे आप तो अगर आपके ऑयल फ्री फेस जल की जाते जितनी हैं भी और इसको प्रॉब्लम है आप वो सारी खत्म हो इस तरह जाएंगी। से लगा लेंगे उसको तो काट कर, अगर तो आप उससे क्या कोई होगा, ट्रीटमेंट करवाते उससे भी हैं जली हुई स्किन सही हो जिसमें जाती आपके है। तो बहुत आप जो सारे सोचिए, पैचेस जब पड़ जली जाते हुई हैं, स्किन हमारी सही हो उससे सकती अच्छा है, है कि तो आप चेहरे इस की चीज़ को कितनी इस्तेमाल प्रॉब्लम करें हमारी और आप जा इस सकती है। अपने तो सारे अब पैसों जो को बचा हमने यहाँ सकते हैं। पर दाल को तो ये फुलाया था देखिए और राइस को यहाँ फूलने पर के लिए रखा केला था, है जो अच्छे से अब हमें क्या मैश हो करना है, गया। वो अब दोनों हमें चीज़ें क्या फूल करना चुकी है, हैं। इसमें डालना है अब हमें हमें क्या एक करना है, चम्मच इसको हम बेसन। लेना है मिक्सर जार में। तो बस दो एक चम्मच हमें चम्मच राइस बेसन लेना डालने है के और बाद दो हम चम्मच इसको हमने अच्छे यहाँ से पर मिक्स मसूर कर की डाल ली लेंगे। है और हमें लिया आपको है यहाँ पता पर है जो कटा बेसन हुआ है वो आलू कितना 2 चम्मच। अच्छा फायदा तो करता बस है हमारी इसका हमने पेस्ट बना लिया है। तो जो ये देखिए टैनिंग ये होती है तीनों चीज़ें उसको मिलकर इतना रिमूव करता कमाल है अच्छे करने से। वाली हैं आपके फेस पर। अगर आप इसको इस्तेमाल करते तो हैं बस अब यहाँ पर तो हमें क्या इससे लेना आपकी है, सारी यहाँ पर टैनिंग लेना है और आपको सारी प्रॉब्लम कच्चा ख़त्म दूध। हो जाएंगी फेस की। तो आपको क्या तो करना यहाँ पर है, इसको आपको एक अलग बाउल में रॉ निकाल मिल्क लेना लेना है है। यानी कच्चा जितना दूध आपको लेना है लगाना है इसको। उतना ही ले ये और आपको उसमें आप 1 से 2 चम्मच हल्दी ले को डालें। लेना आपको है पता होगा जो हल्दी है वो और इसको एंटीबायोटिक अच्छे से होती है, मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को। तो जो कि ये आप बहुत बहुत ही अच्छा फेस पैक बनकर हमारे लिए प्रॉब्लम तैयार हो चुका है। और इसमें एक और है चीज़ फेस की डालेंगे वो सारी ख़त्म कर देंगी तो मैं ये आपको बता सारी दूं, चीज़ें अगर आप मिलकर। इसको अपने चेहरे पर तो हफ्ते में अगर आप एक इस से दो पैक बार को भी यूज़ बनाकर करेंगे लगाते यानी कि हैं तो इस्तेमाल करेंगे इससे तो आपकी सारी आपके प्रॉब्लम चेहरे ख़त्म की होगी। समस्याएं और यानी कि अगर दाग आपको लगे कि धब्बे ये ड्राई है हो रहा और है तो टैनिंग, आपको ये क्या करना है, सारी इसमें नारियल प्रॉब्लम, तेल डाल देना है, छाइयाँ और 3 से 4 बूंद काले आप घेरे, ये इसमें डाल लें सारी तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपकी ये खत्म जल्दी हो से जाएगी। तो छूट यहाँ पर जाएगा। तो आपको आपको क्या इसको करना है, स्क्रब इसमें की तरह डालना है यूज़ आपको करना है। हाफ स्पून कॉफ़ी। अगर आप बस इसको स्क्रब ये की तरह यूज़ हमारा नहीं करना बिल्कुल चाहते तो नेचुरल आप सा इसको फेस पैक 5 मिनट बनकर से तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको मास्क पाँच कह मिनट लीजिए तक या आपको फेस पैक कह आप लीजिए। इसको ऐसे ही रहने दें तो फेस पर। ये बहुत ही तो यहाँ अच्छा पर आप देख काम सकते करता हैं, है। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें जब बनाई आपको हैं इसको इस्तेमाल करेंगे और तो फेस आपको पैक। खुद तो ब खुद आपको पता लगेगा इन और दोनों चीज़ों आप को अच्छे अपने से चेहरे की सारी यूज़ प्रॉब्लम्स करना को है। आप इनको हफ्ते में टाटा दो से बाय तीन बाय बार करते हुए लगाएंगे देख तो पाएंगे। आपको तो इसका रिजल्ट यहाँ खुद ही पर पता चलेगा। ये जो और पेक पैक है वो डिटेल्स हमारा लेने के लिए आप अच्छे से मुझे बनकर कमेंट कर तैयार हो सकते गया हैं। है। तो तो आपको चलिए वीडियो मिलते हैं कैसा लगा नेक्स्ट है वीडियो कमेंट में में ज़रूर और बताना एक और अच्छे फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेमेडी।